चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने गुजरात के समुद्री किनारों पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। खास करके समुद्री किनारों पर बने हुए निर्माण, चाहे वो छोटे दुकान हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसे क्षति पहुंचाना शुरू कर दिया है। मैं द्वारका के समुद्री तट के किनारे हूं और यहां देखिए, ये टूरिस्ट प्लेस है और यहां पर बैठने की जगह बनाई गई थी, लेकिन ये जो शेड बनाया गया है एल्युमिनियम का, टिन का, ये क्षतिग्रस्त हो गया है, टूटकर गिर गया है। तेज हवाओं की वजह से ये नुकसान हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं, रेहड़ी पटरी वाले जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर अपना रोजगार लगाते हैं, लेकिन देखिए छोटी छोटी दुकानें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। थोड़ा सा आगे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मेरे कैमरामैन सचिन शिंदे लगातार आपको इस साइक्लोन से जुड़ी हुई द्वारका से तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ देखिए किस प्रकार से यहाँ पर नुकसान हुआ है। छोटी छोटी दुकानें हैं क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, लोग यहाँ पर जब घूमने आते हैं तो यहाँ पर यहाँ खरीदारी करती हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं और यहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो खास करके जो लकड़ी के स्ट्रक्चर थे, छोटे छोटे दुकान थे, ये टूटकर गिर गए हैं। इसकी वजह यही है कि तेज़ हवाएं लगातार चल रही हैं और तेज़ हवाओं के साथ साथ बीच में भारी बारिश हो रही है, इसी वजह से यहाँ ये नुकसान देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा आगे आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से चक्रवाती तूफान ने अपना असर दिखाना शुरू किया है, खास करके तेज़ हवाओं के चलते ये तस्वीर है। अच्छा, ये तस्वीर जो निर्माण हुई है ये तब निर्माण हुई है जब हवाओं की जो गति है वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है और जैसे जैसे समय बढ़ेगा इन हवाओं की गति और बढ़ती चली जाएगी। यहाँ देखिए एक श्मशान भूमि है और श्मशान भूमि का ये यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर बनाया गया था, ये पत्रों का, टिन शेड का, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो गया है और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। ये श्मशान भूमि है और श्मशान भूमि का जो पूरा छज्जा है आप देख सकते हैं, पूरा एल्युमिनियम का जो शेड था वो टूटकर गिर गया है और अभी भी जो टूटे हुए हिस्से हैं वो लगातार गिर रहे हैं, इसलिए इस इलाके को घेर कर रखा गया है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति ना जाए क्योंकि हवा से उड़कर चोट पहुँच सकती है या नुकसान हो सकता है। इस परिसर को तो खाली करा ही दिया गया है। थोड़ा सा आगे आपको लेकर चलते हैं, वो जो इमारत आप सामने देख रहे हैं इस इमारत के ऊपर देखिए एक बोर्ड लगा हुआ था, वह होर्डिंग बोर्ड लगा हुआ था और होर्डिंग पूरी टूट गई है। ये छज्जा था, होर्डिंग स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन देखिए किस प्रकार से यहाँ पर तेज़ हवाओं के चलते ये गिर गया है। हमने कल तस्वीरें देखी थी कि द्वारका में जो दूरदर्शन टावर है वो घातक हो सकता था तेज़ हवाओं के चलते, इसलिए खुद प्रशासन ने उसे गिराने का फैसला किया। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि समुद्री किनारों पर जो इस प्रकार के निर्माण हैं वो निर्माण अपने आप तेज़ हवाओं के चलते टूटकर गिर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें द्वारका की हैं, द्वारका के समुद्री तट के किनारे की हैं। द्वारका जो कि देवभूमि द्वारका मानी जाती है, यहाँ पर बहुत मंदिर हैं, खास करके समुद्री किनारों पर छोटे छोटे कई मंदिर हैं और इन मंदिरों को खाली करा दिया गया है, मंदिर बंद किया गया है, पुजारियों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। इस द्वारका नगरी में बहुत सारे पशु हैं, गाय बैल बहुत सारे हैं जो खुले में घूमते हैं, उनको भी रेस्क्यू किया गया है, उनको भी गौशाला तक सुरक्षित पहुँचाया गया है। तो ये तस्वीरें हैं द्वारका की और द्वारका में इस चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से क्या स्थिति बनी हुई है, ये तेज़ तूफान की वजह से किस प्रकार से नुकसान हो रहा है उसकी कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और जैसे जैसे ये चक्रवाती तूफान गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ता रहेगा और ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है। ऐसे पर प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं या प्रशासन लगातार जो जानकारी साझा कर रहा है, हिदायत दे रहा है, उसका पालन करना चाहिए और निश्चित तौर पर जिस जगह पर लैंडफॉल होगा वहाँ इसी प्रकार से ज़्यादा नुकसान होने की भी आशंका है। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़ द्वारका।